सिंगल सोलो राइड है, गुवाहाटी के लिए निकला हूँ अभी। तो ये हम लोग का सवारी है, इस पे हम लोग पहुँचेंगे गुवाहाटी। कैसे हो आप सभी लोग, इट्स अपॉ जेपीडी। और आज हम लोग फाइनली जिस मकसद से हमने अपना चैनल खोला था मोटो ब्लॉगिंग के लिए, तो वो फाइनली स्टार्ट करते हुए हम लोग का फर्स्ट राइड होगा यहाँ से गुवाहाटी तक, क्योंकि मैं बहुत शाम को निकला हूँ क्योंकि धूप इतना ज़्यादा पड़ रहा है अभी आसाम पे। दो तीन दिन आ गए यहाँ पर बारिश से, हम लोग परेशान थे। मैं 10 तारीख का राइड आज को फाइनली 19-20 तारीख को निकाल सक रहा हूँ क्योंकि बारिश से बहुत ही बेहाल था। और फाइनली आज हम लोग का राइड शुरू हो रहा है, तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं आगे, क्योंकि जितना देरी करूँगा उतना नाइट को उतना ब्लॉग शूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि नाइट टाइम पे आप लोग का ये गोप्रो से उतना कैप्चर नहीं हो पाएगा सीन। तो दिन को ही जितना आगे तक सकता हूँ खींच लेता हूँ। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग का रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 हम आप लोग के आगे, और यहाँ पर गोप्रो के साथ मतलब हेलमेट के साथ लगा हुआ। तो उस पीछे में अपना कैरिंग बैग भी ले लिया हूँ, रस्सी से टाइट से बांध लिया हूँ। तो ये हम लोग का सवारी है, इस पर हम लोग पहुँचेंगे गुवाहाटी। रात को शायद हम लोग पहुँचेंगे 12 से 1 बजे। तो बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। मौसम भी बहुत बारिश, अचानक से बारिश अचानक से धूप हो रहा है, तो मौसम बहुत गड़बड़ है। तो फटाफट से आसाम का हाल तो कुछ बेहाल है क्योंकि बारिश से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ चल रहा है, कभी बारिश कभी धूप। लेकिन अभी धूप से आग बहुत चमक रहा है, लेकिन मज़ा आ रहा है। तो ये कुछ अपार आसाम का सीन है, यहाँ पर उतना जल्दी ये बांध पानी ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं होता है। लेकिन लोअर आसाम पे अभी भी बहुत ज़्यादा नौगांव साइड बहुत प्रॉब्लम चल रहा है बोल के सुना था। तो जितना हम लोग आगे बढ़ेंगे आप लोगों को दिखाता जाऊंगा मैं सीन। तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है, आगे जाके मालूम चलेगा कि लोअर आसाम का क्या सिचुएशन है करेंटली। तो गाइस मज़ा तो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है राइड पे, अकेला हूँ, सिंगल सोलो राइड है। गुवाहाटी के लिए निकला हूँ अभी, मैं घर से निकला हूँ 3:26 को, यहाँ से मैं सीधा गुवाहाटी के लिए जा रहा हूँ। तो मज़ा तो बहुत ही आ रहा है, लेकिन जल्दी करके पहुँचना है क्योंकि ज़्यादा रात हो जाएगा, तो रात होने के बाद थोड़ा क्लियर नहीं नज़र आता है। तो अभी मैं फिलहाल तिनसुकिया पहुँचा हूँ, अभी टाइम 5 बज चुका है, तो 1 घंटा के भीतर मेरे को डिब्रूगढ़ क्रॉस करना है। उसके बाद थोड़ा फोरवेलन मिलेगा, तो थोड़ा रोड बेटर होंगे, लेकिन ये साइड हुए तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ, और धूप डायरेक्ट आँख पे पड़ते हुए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। अब शुरू होता है गाइस, यहाँ पर पूरा टोटली क्लियर रास्ता मिलते हुए, और रास्ता बहुत ही बढ़िया कंडीशन में मिलते हुए आप लोग अब देख सकते हैं पूरा क्लियर रास्ता है। और ये हाईवे है NH-15, तो मज़ा आ रहा है गाइस। तो जैसे कि गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं मेरा चेन बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब दे रहा है, डिस्टर्बेंस बहुत साउंड निकल रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिट्टी से भर चुका है। तो मैं यहाँ से थोड़ा वॉश कर लेता हूँ और अपने राइड के लिए थोड़ा सेफ बनाता हूँ जर्नी को, क्योंकि आप चेक करें किस तरीका से मिट्टी निकल रहा है चेन से। तो
रेन स्प्रे अवेलेबल नहीं होने के कारण मोबिल दिया जा रहा है। How's the scene, bro? क्या ही सुंदर नजारा, वाओ क्या लग रही हो रानी। चलिए डिनर करते हैं। इतने रात को हमारे चक्का पंचर हो गया था और हमारे भैया ने हम लोग को बहुत ही बड़ा सहायता किया, चक्का में पंप भरा दिया और उन्होंने चेक भी कर दिया। सो उनको थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है सर, तो अभी फिलहाल फिर कंटिन्यू करते हैं राइड को। चक्का पंचर होने के कारण बहुत दूर से मैं दिक्कत से आ रहा था, लेकिन अभी फाइनली मैंने पंप भरा लिया है। तो अभी फुल तवाई का चक्का पे पंप कम हो चुका था, किस मैंने कैसे हो गया वो तो मेरे को मालूम नहीं, बस कम हो गया था, लेकिन अभी फुल हो गया है। तो पूरा लेटर हो गया, कल को धोना है। अभी चलते हैं गाइस। तो गाइस यहां से हम लोग का शुरू होता है काजीरंगा का जर्नी। अभी हम लोग घूम चुके हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, असम का सबसे बड़ा जंगल। तो अभी हम लोग ये देखिए एनिमल कॉरिडोर अहेड, मतलब स्पीड लिमिट पे जाने के लिए कहा गया है। अगर आप 40 क्रॉस करते हो तो आपको 5,000 रुपये पेनल्टी लगेगा। बीच बीच में सेंसर बोर्ड लगाया गया है, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा ज़रूर, लेकिन 40 से ऊपर तो आ ही नहीं सकता है, कब क्रॉस होगा जंगल। लाए लाए कोई बात नहीं, एनिमल कॉरिडोर है। ओह गॉड, किलोमीटर है 40 क्रॉस हुआ तो 5,000 का पेनल्टी आपका लगा लगे मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। इतना डेवलप हो चुका है हम लोग का आसाम। जैसे कि गाइस ये बहुत दर्दनाक बात है कि यहाँ पर हरिन जो कि बहुत ही रेयर है पीस, सलमान खान की तरह, ये भी बिचारी कुलस दी गई है गाड़ी से। यहाँ पर बार बार लिखा हुआ स्पीड लिमिट करके चले, लेकिन बेचारे को किसी ने क्लच के मार दिया, स्पॉट डेट। अब देख सकते हैं इसके भी परिवार होंगे। तो ब्रो जैसे कि पूरा रात भर कर राइड के बाद अभी हो चुका है सुबह और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से रिकॉर्डिंग, क्योंकि रात को उतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था तो आप लोगों को व्यू अच्छा नहीं आएगा, तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया था। और जो ऊपर से जो मेरा हेलमेट का ग्लास था वो थोड़ा तकलीफ दे रहा था, क्योंकि वो उतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, तो हेलमेट मेरे को ग्लास खोल के चलाना पड़ा, जिसके कारण बहुत धूली मेरे आँख पे पड़ चुका है और मैं अंधा लगभग हो चुका हूँ। तो आशा करता हूँ जल्दी करके मैं गुवाहाटी पहुँच जाऊँ और रेस्ट करूँ। एंजॉय विथ मी द राइड गाइस, पहला बार सोलो राइड मार रहा हूँ इतना दूर का सफ़र, तो एंजॉय करते रहे और कीप सपोर्टिंग गाइस। 127 किलोमीटर है यहाँ से गुवाहाटी, तो पूरा रात आप देखिए पूरा धूल से बर्बाद हो चुका है। अभी सीधा जाऊंगा रूम पे और फ्रेश होने के बाद सो जाऊंगा गाइस, बहुत ख़राब से नींद लग रहा है। और क्या बोलो, पूरा राइड में धूल ही धूल, बस धूल और कुछ था ही नहीं, बस जो था वो धूल था। रोड डाइवर्जन, रोड ये लेफ्ट रोड डाइवर्जन, राइट रोड डाइवर्जन लेफ्ट, परेशान पूरा रात बाइक चला के। और ये बाइक के ऊपर से लाइट कमजोर है। जैसे गाइस थोड़ा दिन आगे जो न्यूज़ में दिखने मिलता रहा वो आज को रियल में देख रहा हूँ, पूरा फ्लड से देखिए पूरा राइनो रिजोर्ट डूब चुका है। और आगे देखते हैं क्या है, यहाँ पर चेक करें पूरा घर डूब चुका है और वहाँ देखिए पूरा फ्लड से सभी कुछ डूब चुका है, घर खेती बाड़ी पूरा ही घर डूब चुका है, दूर दूर तक पानी ही पानी, अभी तक पानी जमा हुआ है। रो लिटरली जो मैंने देखा वो अनबिलीवेबल था, पूरा पानी से एक तो भरा हुआ है और ऊपर से आदमी लोग जो जिनके घर बारी थे, गाय बकरी जो भी है, मतलब सब कुछ हाफ रोड कवर करके बैठे हुए, क्योंकि उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रहा है अभी के टाइम में, क्योंकि टोटली पानी से कवर एरिया। आप देख सकते हैं जो टू वे लेन है, मतलब ये वन साइड सिंगल लेन रोड है और यहाँ पर देखिए वन साइड तो पूरा ही आदमी लोग बैठे हुए। आप लोग चेक करें पूरा नदी जैसा सीन दिख रहा है, जो वो सभी
अभी मतलब नॉर्मल लैंड था, लेकिन अभी ये लोअर आसाम में तो ये छोटा सा पानी पड़ जाने से भी ये साइड भर जाता है, और ऊपर से अभी का टाइम तो इतना कंटिन्यू बारिश 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 की वजह से पूरा ही भर गया और बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है आदमी लोगों को। तो हम लोग भगवान जी से बस यही दुआ कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी पहले जैसा नॉर्मल हो जाए और सबके लाइफ फिर से नॉर्मली चले और सब प्रगति करे, और जो जितना भी नुकसान हुआ है जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट भी कुछ सहारा दे और आगे बढ़ते हुए हम लोग को मिल रहा है यहाँ पर टूल गेट। ओह माय गॉड, फर्स्ट टूल गेट। तो मालूम नहीं यहाँ पर कुछ चार्जेस होगा या क्या होगा, लेकिन फर्स्ट टूल गेट में क्रॉस कर रहा हूँ। तो अच्छा, तो मेरे को फ्री में पार होने का मौका मिल गया, तो थैंक यू। तो चलिए चलते गाइस, गार्ड के काफ़ी करीब पहुँचते हुए और नींद थोड़ा पकड़ते हुए। नींद पकड़ लिया, थोड़ा पानी माथे में डाल लिया, रात भर का नींद थकावट अभी जाके पूरा होगा। गाइस पहुंचने वाला हूं गाड़ी कुछ ही देर और। तो अभी यहाँ से 60 किलोमीटर लगभग है गुवाहाटी, तो यहाँ से शुरू होता है गुवाहाटी का रोड। रोड चेक हियर, जो टर्निंग आप लोग को नज़र आ रहा है ये गुवाहाटी पहुँचाने में हम लोग को मदद करेगा। तो इतना बड़ा शहर पे पहला बार होने वाला है धमाका वाला राइड। पहला बार मैं इतना बड़ा टाउन पे ट्रैफिक क्रॉस करके मैं पहुँचूँगा गुवाहाटी, तो मालूम नहीं क्या होने वाला है आगे। तो मेरे को ये टर्निंग देख के लग रहा है कि मेरी कार फटने वाली है, क्योंकि रास्ता और यहाँ का गाड़ी का ड्राइविंग जो चल रहा है वो यहीं से मेरे को मालूम चल रहा है कि फटेगी, पूरा ही फटेगी भाई। क्या टर्निंग, ओ सी। तो गाइस फाइनली मेरे को मिल चुका है गुवाहाटी। तो यहाँ मैं पहुँच चुका है गुवाहाटी। पूरा रात भर का राइड, पूरा तकलीफ पूरा दुख के बाद मैं पहुँच चुका है गुवाहाटी। तो इतना ज़्यादा खुशी हो रहा है कि मैं अपने लफ्ज़ों पे बयान नहीं कर सक रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं गुवाहाटी का कैसा नज़ारा हो रहा है। अभी सुबह के बज रहे 7 और मैं पहुँच चुका अभी फिलहाल करेंटली गुवाहाटी। अब मेरे को फटाफट से लोकेशन, मेरा दोस्त का रूम जो है उनका लोकेशन पूछ के मेरे को जाना है। आहा, गुवाहाटी रोड। फाइनली पहुंच चुके अपने भैया के रूम, पार्टनर के रूम। तो नींद से एकदम आँख साख लाल हो चुका है, और अभी पार्टनर ने मेरे को पार्टनर के स्टाइल पे खाना दिया है, तो खा लेते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे।